की है। एयर टू एयर मिसाइल एस्ट्रा का सफल परीक्षण किया भारत ने। डीआरडीओ ने ये सफलता हासिल की है। एस्ट्रा मिसाइल 70 किलोमीटर की रेंज में किसी भी निशाने पर अचूक वार कर सकती है। मिसाइल को सुखोई 30 एमकेआई से लॉन्च किया गया, जिसने वेस्ट बंगाल एयरबेस से उड़ान भरी थी। आपको बता दें कि भारत सरकार ने एस्ट्रा मिसाइल प्रोजेक्ट को 2004 में मंजूरी दी थी, जिसके लिए उस वक्त 995 करोड़ का बजट रखा गया था। अब एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आप देखिए यह तस्वीरें, जब सुखोई 30 एमकेआई से एयर टू एयर मिसाइल को लॉन्च किया गया, जिसने अपने ऑब्जेक्ट को सफलतापूर्वक हिट किया। 70 किलोमीटर तक अभेद निशाना साध सकती है यह मिसाइल। सुखोई 30 एमकेआई से लॉन्च किया गया इस मिसाइल को। यह तस्वीर आप देखिए, जब सुखोई 30 एमकेआई से मिसाइल को लॉन्च किया गया, एयर टू एयर मिसाइल, 2004 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई थी और लॉन्च करने के बाद इस मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपने टारगेट को हिट किया। सफल परीक्षण डीआरडीओ की ओर से। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र है ये, जिसका सफल परीक्षण आज किया गया है। सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान से इस परीक्षण को अंजाम दिया गया, जिसने पश्चिम बंगाल के एक एयरबेस से उड़ान भरी थी। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र है ये, जिसका सफल परीक्षण आज किया गया है। सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान से इस परीक्षण को अंजाम दिया गया, जिसने पश्चिम बंगाल के एक एयरबेस से उड़ान भरी थी। 26 सितंबर 2018 को देश में ही इस मिसाइल को बनाया गया था। 70 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में यह सक्षम है और हवा में ही तैरते हुए किसी भी लक्ष्य को 70 किलोमीटर के रेंज में यह मिसाइल देखते ही देखते उसे मिटा सकता है।